नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो यार आज के यूथ की सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ी है, और ये गाड़ी आप देख के पहचान ही होंगे कौन सी है। ये है हुंडई वर्ना, जो कि आज के लोंडों को बहुत पसंद आती है। एक काली स्कॉर्पियो होगी और एक काली वर्ना होगी, बात ही क्या है। और जो गाड़ी ये सामने दिख रही है वो है 2021 वेरिएंट। अभी की जो वर्ना आ रही है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, मुझे तो पर्सनली नहीं आती वो पसंद, क्योंकि उसके पीछे का जो शेप आता है वो बिल्कुल चेंज आता है। आगे की ग्रिल की बात करो तो आगे बिल्कुल वो एकदम बेकार आती है। ये जो पहले निकली थी 2020 से और 21 वाली, ये बहुत सही निकली थी, आप इसका लुक देख सकते हैं। और आज बात करेंगे हम इसकी कि ये गाड़ी वर्थ इट है या नहीं है सेडान के उसमें, क्योंकि प्रॉपर सेडान गाड़ी है और सबको पसंद आती है गाड़ी। तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, इसकी फीचर्स की बात करेंगे, और एक कौन सा मॉडल है उस बारे में बात करेंगे। वैसे टॉप मॉडल नहीं है, पहले बता दूँ ये है टॉप सेकंड मॉडल। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्या क्या चीज़ें आती है साथ में, उन सब की बात करेंगे। तो अगर इंजन की बात करते हैं तो इसमें आता है 1.5 लीटर का इंजन, और टॉर्क निकालती है ये 250 का टॉर्क निकालती है। और माइलेज किस गाड़ी की बात करते हैं तो यार ये माइलेज देती है 20 का हाईवे पे, और सिटी में निकाल देती है आराम से 12-13 का माइलेज। और अगर ज़्यादा ही अच्छे से चलाओगे तो ये 13-14-15 भी निकाल देती है सिटी के अंदर। हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे पे इसका माइलेज चल जाता है 20-21 तक, क्योंकि लोग सेडान लेके चल रहे हैं तो माइलेज की तो क्यों ही सोचेंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कुछ ऐसी आती है, ठीक है। की बात करते हैं तो ऐसी कुछ की आती है इसकी, जिसमें लॉक का, अनलॉक और होल्ड का बटन है। होल्ड का बटन दबाएंगे आप तो ये देखो ये अपने आप की अनलॉक हो जाएगी। बाकी ऊपर भी होती है, पता नहीं कोई ग्लिच की वजह से नहीं हो रही, वरना ये ऊपर हो जाती है अपने आप। हाँ, ये बारिश में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो बूट स्पेस में आता है 528 लीटर का, तो आप देख सकते हो यार कितनी स्पेस है। मतलब यहाँ पर आप एक सीएनजी लगवा सकते हो और फिर भी आपके पास स्पेस बचती है, इतनी है। क्योंकि मैंने देखी है कौन सारी सेडान्स में भी, सिटी होंडा सिटी में भी देखी है, मेरे रिव्यू भी कहता है एक बार, तो यहाँ तक इसमें सीएनजी लग जाती है और यहाँ पे स्पेस ही स्पेस है। 2-4 लाख i20 वाले क्या कहना चाहोगे स्पेस के मामले में? स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, ये सुनना चाह रहा था। अगर अभी बुराई करता ना यही मार रहा है तब बात करते हैं इसके अंदर के फीचर्स की, चलो चलते हैं। अच्छी गाड़ी है ना। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और अंदर के आप देख सकते हो कि 5 सीटर गाड़ी है और बहुत ही अच्छा स्पेस है। लेग स्पेस की बात करते हैं तो देखो सफिशिएंट है और मुझे कंफर्टेबल हूँ इसमें लेग स्पेस में। ये देखो मैंने अच्छा पैर फैला रखे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। गाड़ी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है ड्राइवर पोजीशन की कैसे रखता है सीट, बाकी मुझे तो अच्छा लगा स्पेस का। बात करते हैं पीछे की, तो पीछे यहाँ पे एक एसी वेंट दिया गया, तो यहाँ पे देखो ये एसी वेंट दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग का दे रखा है, बाकी आप चार्ज वगैरह कर सकते हो। पीछे बात करते हैं तो यहाँ पे पावर विंडो वगैरह का है बटन, और हैंड रेस्ट की बात करते हैं तो आगे यहाँ पे आता है एक हैंड रेस्ट। इसमें आप स्पेस देखते हैं, देखो इसको खोलना भाई, खोलो इसको। हाँ, इसमें ऐसा कुछ स्पेस आता है इतना, ठीक है, और चीज़ रखिए थोड़ा बंद कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि आगे क्या फीचर आते हैं इसमें। बस अंदर आ चुके हैं अब इसमें आगे की साइड, अब दिखाता हूँ मैं आपको कि मीटर में क्या क्या देखने को मिलता है अपने को। ये ऐसी चाबी आती है पहली लगाओ, ये देखो तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है इसके अंदर, ये देख सकते हो आप। इसमें आपको क्या कहते हैं पेट्रोल का बता रहा है, इधर RPM है, बाकी इसमें आपको किलोमीटर वगैरह और टाइम वगैरह बताता है कितनी चली हुई है, और टेम्परेचर बताएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी इंजन वगैरह सही आ रहे हैं ये मतलब इग्नोर करना, ऐसा कुछ नहीं, चालू होने के बाद हट जाते हैं ये। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल इसमें आता है, ये मैनुअल वाला डिजिटल नहीं आता इसमें, तो ये सब कुछ क्लाइमेट कंट्रोल है इसका। बाकी यहाँ पे बताता है सीट बेल्ट वगैरह का, यहाँ पे इसमें आता है एसी वगैरह का है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो इतनी बड़ी इसमें डिस्प्ले आ जाती है और सारे फीचर वगैरह आते हैं इसमें, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वगैरह। बाकी वायरलेस भी है शायद एंड्रॉयड ऑटो, हाँ वायरलेस भी है, एप्पल भी है वायरलेस। और बात करते हैं इसकी, तो इसमें इतनी बड़ी स्पेस आती है नॉर्मल जो आती है गाड़ियों में। एसी वेंट्स की बात करते हैं तो अभी तक एसी की हवा दी थी थोड़ी बहुत, तू बता कैसी है? एसी सही है भैया, ठीक है। i20 सही है, तेरा i20 में चलने होता है क्या? मतलब इसके ये वाले जो वेंट्स आते हैं ना, हाँ ये बहुत प्यारे लगते हैं भाई। अच्छा, मेरी गाड़ी में दूसरे वाला है तो भाई ये i20 को बेचेगा तो नहीं, पर ये बढ़ना भी नहीं रहेगा। बढ़िया भाई, अच्छी गाड़ी है, इसी वेंट से चक्कर बेचूंगा इसको मैं, है ना भाई, डलवा तो सकते हैं। तो ये सब इसमें चीजें हैं, बाकी आगे मिलता है आपको ये 2 कप होल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे मिलता है। बाकी पीछे की बात करते हैं तो पीछे भी कप होल्डर्स, ये देखो यहाँ पे पीछे भी है ये, तो इसको आप हटा के ये ऐसे हट जाते हैं, ठीक है भाई, ये ऐसे कप होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं। और अच्छा है यार, मतलब अगर पीछे दो जने बैठे हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल एक फील देता है। अच्छी ये भी नहीं थी 20 में। इस प्राइस पॉइंट की बात करते हैं, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि यार जो अभी नई वाली वरना आ रही है वो पहले से महंगी कर दी, तो यार जनरेशन अगर बढ़ती है तो महंगाई भी होती है, और कुछ लुक उसमें चेंज करें, फीचर्स ऐड करें बेस मॉडल में, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है। हाँ भाई कल है, बाबा जी कल है, ठीक है। तो इसकी प्राइस की बात करते हैं तो ये
गाड़ी है 12.5-13 लाख अराउंड, बाकी अगर आप फाइनेंस वगैरह कराते हो तो 15 लाख तक पहुंच गई थी। और फाइनेंस भी अलग अलग टाइप का होता है, कितनी डाउन पेमेंट कराते हो, कितनी ईएमआई बनती है, वो अलग अलग बात हो जाती है। बाकी इस गाड़ी की बात करें तो इनको पड़ी थी फिक्स 15 लाख रुपए की। टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये 195/55R16, तो इसकी टायर प्रोफाइल कुछ ऐसी आ जाती है। और इसमें लगे हुए हैं भाई, कौन सी कंपनी पढ़ के बताना, हैंडकॉक के टायर है। हैंडकॉक के बारे में बताओ, कैसी हैंडकॉक भाई, मैंने पहली बार सुना हैंडकॉक। अच्छी गाड़ी है ना। ठीक है, बंदा सामने खड़ा है, इसके पास है हुंडई i20 IMT। ठीक है, अब ये बात कंपेयर करेगा इसकी गाड़ी से, इस गाड़ी में कि क्या क्या, क्योंकि सेडान है वो भी, हैचबैक एक तरीके का, बाकी ये बताएगा क्या क्या अच्छा लगा। अच्छे की बात करें तो सबसे बड़ा जो चीज़ है ये है मैनुअल गाड़ी, और मेरी जो है IMT है ऑटो, तो एवरेज अच्छा निकाल देती है। प्लस जो इसके एसी वेंट है वो बहुत प्यारा है, मतलब एक नंबर। प्लस हैंड रेस्ट आया था जो कि मेरी में नहीं है, और नो डाउट अच्छी गाड़ी है। लुकिंग लुकिंग तो जो क्या ही बोलूं। ठीक है, 500 रुपये पेटीएम हो जाएंगे इसको पेटीएम। तो गाइस ये था इसका ऑल रिव्यू। यार रिव्यू छोटा बना मैं मान सकता हूँ, क्योंकि फीचर्स वगैरह मैंने आपको सब बता दिए इसमें फीचर्स है। एक रिव्यू होता है, एक होता है ओनरशिप रिव्यू। तो इसके ओनर तो आज हमारे साथ थे नहीं, गाड़ी थी तो गाड़ी के बारे में बता दिया, और ये क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं 3 साल में इनके ओनर के साथ, वो भी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जब इनके ओनर हमारे सामने आएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने का, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जाकर बताना कि आपको और किस टाइप के रिव्यू चाहिए, किन किन गाड़ियों के। थैंक यू।